नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर वन शो दंगल। और आज धनतेरस है। धनतेरस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में उन 75,000 युवाओं को भी शुभकामनाएं जिन्हें मोदी सरकार ने सबसे खास गिफ्ट दिया। आज पीएम मोदी ने 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। रोजगार मेले में इस तोहफे से युवाओं में जोश है। मोदी सरकार का वादा है कि वो पहली किश्त है, अभी लक्ष्य 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना है। लेकिन मोदी सरकार की इस पहल को विपक्ष नाकाफी बता रहा है। कोई इसे अपने राज्य में किए गए पहल की नकल बता रहा है तो कोई पूछ रहा है कि 16 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ। आपको बताना जरूरी है कि 2022 तक 40 करोड़ लोगों को रोजगार पाने लायक स्किल ट्रेनिंग देने के लिए सरकार 2015 में स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत भी सरकार ने किया ताकि बेरोजगारी कम हो सके। लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि इसे पूरा करने में 100 साल लग जाएंगे। तो सवाल यही इससे शुरू होता है कि क्या हमारा देश बेरोजगारों के साथ पूर्ण विकसित राष्ट्र बन पाएगा? क्या सरकारी नौकरी के जरिए ही रोजगार का संकट दूर होगा? क्या स्टार्टअप जैसे मिशन बेरोजगारी के दर को कम करने में मदद कर रहे हैं? आखिर विपक्ष को सिर्फ सरकारी नौकरी के आंकड़े ही क्यों दिखते हैं? सवाल कई है, सबका आज होगा हिसाब। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी का। ऐसा लग रहा है कि सपना सच हुआ है आज। धनतेरस पर खूब हुई नौकरी की बारिश। अब की दिवाली हो गई जॉब वाली, युवाओं की हो गई बल्ले बल्ले। पीएम मोदी ने नौजवानों को दिया सबसे बड़ा गिफ्ट, वो गिफ्ट जिसकी चाहत काफी दिनों से थी। मोदी सरकार ने एक साथ 50 लोकेशंस पर नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे। कुल मिलाकर 75,000 युवाओं की चांदी हो गई। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। रोजगार मेला अभियान के पहले चरण के तहत मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों में अब तक सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी तीन श्रेणियों में 75,000 नियुक्ति पत्र नौजवानों को दिए गए। ये नियुक्ति पत्र 38 मंत्रालयों के लिए है। केंद्र सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी इन भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया। इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने से भी लाखों नौजवानों को बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अगले 1.5 साल में मिशन मोड पर 10 लाख लोगों की भर्ती करने को कहा था, जिसकी पहली झलक में 75,000 युवाओं को धनतेरस पर अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। अभी नौकरी की कई किश्त बाकी है। कुल मिलाकर 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनेक संस्थाओं के आधार पर और मंत्रालय के आधार पर रोजगार अवसर उत्पन्न हुए, ये एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत भारत सरकार ने की है। प्रधानमंत्री 10 लाख लोगों को अगले 1 साल के अंदर भारत सरकार के द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। मोदी सरकार की इस पहल को कांग्रेस राहुल गांधी का दबाव बता रही है, साथ ही पूछ रही है कि 8 साल में 16 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पहली कामयाबी मिल गई। दिल्ली की सत्ता पर बैठे राजा को ये मानना पड़ा कि राहुल गांधी जो कहते हैं, करोड़ों कांग्रेस जन जो कहते हैं कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, मोदी जी पर ये बताइए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे, इवेंट बाजी से काम नहीं चलने वाला,
इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। तो कुल मिलाकर अब सरकार को विपक्ष घेरता हुआ भी नजर आ रहा है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े थे और यहां जब देने की बात आई नौकरियां तो सिर्फ 75,000 नौकरियां फिलहाल के लिए दी गई। कुछ खास मेहमान इस वक्त हैं, तारुफ आपका कराते हैं। डॉक्टर सुशांशु त्रिवेदी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, बीजेपी की तरफ से वो पक्ष रखेंगे। रोहन गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी के इस वक्त हैं और अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के इस वक्त हमारे साथ है। प्रश्न तो सबसे पहले यहां पर सुधांशु जी से ही बनता है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा लेट हो रहे हैं चर्चा में जुड़ने से, इसलिए जरा रोहन जी आपसे शुरू करती हूं। इस योजना को किस तरीके से आप देखते हैं? विपक्ष को क्या इस बात की सराहना नहीं करनी चाहिए कि चलिए कुछ शुरुआत तो हुई? जो सवाल आप महंगाई बेरोजगारी पर उठाते थे, कम से कम इसकी शुरुआत तो हुई, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना काल में नौकरियां ही नहीं मिली। सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे दर्शक साथियों को। देखिए अर्पिता जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, राहुल जी ने 3 मुद्दों पे बात की थी। एक, धार्मिक एकता, पूरे देश में एकता बनी रहे। दूसरा, महंगाई की उन्होंने बात की थी। और तीसरा, बेरोजगारी की बात की थी। आज मुझे उस बात की खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से संघ एकता की बात करने लग गया, भाजपा ही एकता की बात करने लगे। ये अब दूसरा पड़ाव है जब मोदी जी को भी रोजगारी की बात करनी पड़ी। और एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये वही सरकार है जो ये वादा दे के आई थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देश में देंगे। उस हिसाब से आज 16 करोड़ नौकरियां हो रही है। और कैसे, ऐसे काफी आंकड़े हैं। आज 1.5 साल पहले लास्ट मंथ जून में सरकार ने वादा किया कि हम 10 लाख जॉब देंगे। आज वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। पर आज सिर्फ क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, एक दिखावा करना है, एक इवेंट करनी थी, तो आज 75,000 लोगों को जॉब देकर एक शुरुआत की। पर क्या आपको लगता है कि 8 साल में जो सरकार 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता में आई हो, वो 8 साल के बाद सिर्फ 75,000 जॉब देकर अपने आप का बखान कर, वो बड़ी चीज नहीं अर्पिता जी? उनकी एवरेज के हिसाब से हर रोज 57,000 लोगों को जॉब मिलना चाहिए। आज वो लोग 8 साल के बाद 75,000 जॉब देने को एक बड़ी अचीवमेंट बता रहे हैं। मुझे लगता है कि देश उनको माफ नहीं करेगा जो उनकी जो। और दूसरी, कोरोना का हमने देखा अर्पिता जी, बहुत मुश्किल समय देश के सामने से गया। करोड़ लोगों ने नौकरी गवाई। एक ये कहा गया 16 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आज वो तो रिकवरी हुई नहीं है। और आज जब चुनाव आ रहे हैं, आप 75,000 जॉब को बहुत बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार बेरोजगार के मामले में बहुत पीछे चली गई है। और आज जनता की जो आवाज है, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उठाई है, आज सरकार की कान तक वो आवाज आज पहुंची है। पर अभी भी काफी नहीं है, बहुत कुछ काम करना है। करोड़ों बेरोजगार आश लगाए बैठे कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करेगी या सही में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार का वादा है वो पूरा करके दिखाएगी। ठीक है रोहन जी, कुछ काउंटर सवाल है मेरे। और क्योंकि अभी सुधांशु जुड़ेंगे तो आप जितने आरोप लगा रहे हैं उनसे भी एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि ये महंगाई और रोजगारी ही ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को इस वक्त कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और शायद ये सरकार भी समझ रही है, इसीलिए बहुत सारी योजना सरकार लेकर भी आ रही है। लेकिन मुझे ये बताइए, केंद्र में जो बैठा है सवाल उससे है, तो जिससे जो राज्य में बैठा है क्या सवाल उससे नहीं होना चाहिए क्या सर? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। जब केंद्र नहीं, नहीं, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं, आप सहमत है कि नहीं? है ना सर? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब मेरा अगला सवाल सर, राज्य के अगर हिसाब से देखिए तो राजस्थान में किसकी सरकार है सर? अर्पिता जी मुझे मालूम है, आप अपने अपने सवाल खत्म कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बैठा हूँ, आप पूरा कर लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। ठीक है, मैं सवाल पूरा कर लेती हूँ। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप फिर कहेंगे कि नहीं आप राजस्थान की बात। सर देखिए, अगर केंद्र से उतने तीखे सवाल होंगे तो फिर सर जहाँ आपकी सत्ता है वहाँ पर भी होगी। देखिए सर, मैं आपको एक सेकंड सर, मैं आपके सवालों का जवाब देने थोड़ी सर बैठी हूँ। मैंने आपको बुलाया है ताकि आप सवालों के जवाब दीजिए। सवाल सर अब लीजिए। अब राजस्थान, अभी आपने कहा कि राज्य की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अभी आपने कहा ना, मैंने इसी से शुरू किया। जवाब दे रहा हूँ, सवाल तो सुन लीजिए ना सर। आंकड़ों के हिसाब से सर सवाल पूछ रही हूँ, बिना आंकड़ों के नहीं पूछ रही। वो अपना काम करेंगे। नहीं पूछ रही सर, एक सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, मैं सवाल आपके सामने रख रही हूँ सर। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर जिस पर हम बात कर रहे हैं, राज्यों के हिसाब से मैंने जो निकलवाया है, मध्य प्रदेश में 0.9 है और राजस्थान में सर 23.8% है। सर ये आंकड़े हैं, अब आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते सर। तो क्या आपको नहीं लगता सर, एक सेकेंड, क्या आपको नहीं लगता कि राज्य के हिसाब से अगर स्थितियां बदलती जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक
एक सवाल पूछने के लिए पत्रकार नहीं हूं, मैं अगर एक जनता के तौर पर सवाल आपके सामने रखूं तो मेरे मन में ये सवाल है ना कि अगर मैं आपको वोट दूं तो मैं क्यों दूं। राजस्थान की स्थिति तो आप सुधार नहीं पाए सर, वहां पर तो बेरोजगारी 23% है और उन राज्यों में से जिनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उनमें आपका भी नाम है, राजस्थान का भी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और आपने कहा जनता की तरह सवाल, मैं उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है, आपने एक लिस्ट पढ़ी उसमें आप शायद मध्य प्रदेश तो पहुंच गई, पर नंबर वन जो स्टेट है जहां पे बेरोजगारी बिल्कुल कम है, पता नहीं छत्तीसगढ़ आपकी नजर से क्यों चला गया। छत्तीसगढ़ आपसे अपेक्षा, अर्पिता जी प्लीज मेरी बात को, मेरी आपसे अपेक्षा है कि जब जनता की तरह बात करें तो नंबर एक से पढ़ना चाहिए, नंबर दो से नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। नंबर टू, आपने कहा राजस्थान, बिल्कुल देखिए हर स्टेट का एक बेस होता है, जहां पे जो कांग्रेस की आज सरकार है, जब आज जो 20% की बात करें, ये दर जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब 32% था, मैं वहां का इंचार्ज था, आज उसको कम कर करके जहां पे बेस कम हुआ है वहां हम लेके आए हैं। हम मुद्दा यहाँ पे ये बात करें, जो सीएमआई के आंकड़े दे रहे हैं, 8 साल में कम से कम बेरोजगारी की दर में 45% की वृद्धि हुई है। अर्पिता जी मैं आपको 2014 से सरकार का ही संसद में दिया गया एक आंसर दिखा रहा हूँ, जहाँ पे 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी और केंद्र सरकार ने सिर्फ 8 साल में 7 लाख नौकरियां दी है। मंत्री जी का जवाब है, जितेंद्र प्रसाद जी का, ये मेरा जवाब नहीं है, ये आपके सामने आंकड़े लेके आया हूँ। अभी 1.5 साल पहले सरकार ने कहा कि हम 10 लाख जॉब देंगे, आज 1.5 साल के बाद में, करीब 1.25 साल के बाद में 75,000 जॉब दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, आप आम जनता की तरह सवाल पूछ रहे हो, तो मैं आप आम जनता से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है ये ठीक है? गोल पोस्ट को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, 16 करोड़ जॉब आपने बोला था, हमने नहीं कहा था, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि 8 साल के बाद में देश को बताए कि 16 करोड़ जॉब कब मिलेंगे। कोरोना काल में आपकी आपके जो सवाल थे, जो मेरे सवाल है, अब फायर उनकी तरफ होगा। और सर मैं जनता के हिसाब से भी, आप देखिएगा, अभी सुनिएगा, सुधांशु जी से भी मैं सवाल पूछ रही हूँ। सुधांशु जी, आप चर्चा में देर से जुटे, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा तीर और बौछार जो है वो आपके ऊपर ही होंगी, इसलिए प्लीज अपना ढाल वाला आप संभाल लीजिए और उसके साथ शुरुआत करती हूँ। सर, बेरोजगारी दर की बात सर चल रही थी, 35 साल में कभी भी 3% से ऊपर बेरोजगारी दर नहीं गई, आपके राज्य में आपकी सरकार आने के बाद इसका आंकड़ा 6 के पार पहुंच गया। सर, आज अगर आप 75,000 नौकरियां दे रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरे का काम है सर, इसी से केवल पेट भर ले सर। देखिए, यदि कोई ये कहता है कि 35 साल में बेरोजगारी की दर कभी 3% के नीचे नहीं गई, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम 2022 में बैठे हैं, 35 साल कब होते हैं, 1987, मतलब 1991 में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, रुपए का अवमूल्यन हो गया, सोना गिरवी रख दिया गया, प्रचंड बेरोजगारी हो गई, तब आपसे कम थी। मैं रोहित जी से पूछना चाहता हूं, अपने विरोधियों से, क्या यह बात तर्कसंगत लगती, किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात है कि रुपी का डिवेल्युएशन हो, सोना गिरवी रखा जाए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम। अरे हम लोग पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, प्रचंड बेरोजगारी थी, मगर कुछ भी बोलने लगते हैं विपक्ष के लोग, कभी कहते 45 साल में सबसे कम है, कभी कहते 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अरे भाई, मैं दर्शकों से कहता हूं, आज सारे डाटा, इसके सोर्स भी मैं आपको बता दूं, जो ये मैं आंकड़ा आपके सामने रख रही थी, लोकसभा और श्रम मंत्रालय की तरफ से पिछले 10 साल के बजट और स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री के ये आंकड़े हैं सर, उसमें ये बातें कही गई हैं, ये रोहन जी नहीं कह रहे। देखिए, मैं 10 वर्ष की बात कह रहा हूं, मगर 35, 45 और 50 वर्ष की जो लोग बात कहते हैं, कोई भी जाके चेक कर ले, 70-80 के दशक में भारत की 2% ग्रोथ रेट होती थी, 2%, मजाक उड़ाया जाता था ये हिंदू ग्रोथ रेट है, ये कभी 1.5-2, 2.25 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। और बेरोजगार महंगाई की दर 10%, 12%, 14-15 नहीं, एक दौर में 23-24% तक रही थी, 73-74 से लेके 91-92 के दौर में। अभी 2010-12 में जब महंगाई डैन खाए जात वाला नारा बना था, तब गाना बना था, तब 12% महंगाई की दर, फिर 10%। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, जब जब हमारी सरकार आई है, अटल जी की सरकार से लेकर मोदी जी की सरकार तक, हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से कम और काफी कम रही है। केवल कोविड के दौर का 2020 का दौर छोड़ दें, और जब जब इनकी सरकार रही है, पिछले 5 साल में भारत में बेरोजगारी दर बता दूं, 2017 में 6, 2018 में 5, 2019 में 7, 2020 में 7% से ऊपर, अप्रैल में 23% से ऊपर, जनवरी में 9% से ऊपर, सीएमआईई की रिपोर्ट है सर ये। हाँ, अब मैं बता,
सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी मार्च से लेकर अप्रैल तक बेरोजगारी का डाटा सबसे ज्यादा था और हमारे विरोधी इसी मुद्दे को लेकर आक्रमण करते थे कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा है और वो 8.5-9% तक था। उसी सीएमआई का डाटा है कि सितंबर में 6.4% हो गई है जो 2018 के बाद सबसे कम है, मगर अब डाटा कोट नहीं करते हमारे विरोधी क्योंकि अब सीएमआई ने डाटा दे दिया। अब दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं, चलिए डाटा के ऊपर कोई दर्शक कह सकता है ये पता नहीं कौन सी लोग आंकड़े की बाजीगरी करते, वो आंकड़ा बताते हम आंकड़ा बताते। अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये बताइए हमारी सरकार आने से पहले भारत दुनिया में मोबाइल हैंडसेट तो हर आदमी यूज करता ना, मोबाइल हैंडसेट के हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर थे, चाइना के बाद सबसे ज्यादा हम यूज करते थे, संख्या हमारी सबसे ज्यादा है, मगर मैन्युफैक्चरर हम थे ही नहीं। हमारे यहां मोबाइल बनाने की कितनी फैक्ट्रियां थी? 2। अब कितनी है? 200 से अधिक। 1 बिलियन से अधिक मोबाइल का मैन्युफैक्चरर हुआ है। इसके पीछे स्किल इंडिया है क्या सर? पूछना चाहता हूं ये इतने मोबाइल जो बने हैं जी, स्किल इंडिया इसके पीछे? नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बताइए अगर 1 अरब मोबाइल बन के तैयार हुए तो क्या आसमान से जिन्नों ने आके बनाए क्या मोबाइल? रोजगार नहीं सृजित हुए? अगर कोई ये कहे दुनिया में मोबाइल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में लगी है, अभी आसमान से जिन्नात आके बना रहे होंगे, हजारों किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, अब देखिए अभी ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भारी उछाल आया, सबसे ज्यादा 47% का उछाल है, ये मकान आसमान से जिन्न आके बना रहे हैं क्या? रोजगार सृजित नहीं हो रहा है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं डाटा से परे जाके भी देखें खुली आंखों से तो जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब सृजन तो हो ही रहा है। अब ये बताइए भारत का पहला हमारा स्वदेशी युद्धक विमान वाला जलपोत बना INS विक्रांत, क्या वो बगैर किसी के रोजगार सृजित हुए बन गया? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत में मैन्युफैक्चर होकर बना, ये बगैर रोजगार सृजित हुए बन गया? अगर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ साथ पहली बार हम एजॉर्ट राइफल्स भारत में बन के तैयार होने लगी, ये रोजगार नहीं सृजित कर रहा, वो तो कोई दूसर से आके बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष भी देखिए तो दिख रहा है कि अगर इतना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इतनी सड़कें बनी है, इतने पुल बने हैं, इतने नए एयरपोर्ट्स बने हैं तो किसने बनाए? इसलिए मैं कह रहा हूं आंकड़ा देख लीजिए या सीधी आंखों से देख लीजिए, खुली आंखों से तो बदलाव। मतलब आप ये कह रहे हैं सुधांशु जी आंकड़ों पे नहीं जाए, खुली आंखों से देखिए, कोई युवक खुली आंखों से सर देखिए आपने। नहीं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, आंकड़े पर ये विवाद कर सकते हैं, खुली आंखों विवाद की गुंजाइश नहीं। रोहन जी आंकड़ों पर मत बात कीजिए, खुली आंखों से देखिए। और हमने 1 अरब मोबाइल बनाए हैं तो इसमें गुंजाइश नहीं है। अर्पिता जी जब झूठ को आपको डिफेंड करना हो तब ये हाल होना स्वाभाविक है। सुधांशु जी एक अच्छे प्रवक्ता है पर जो गोल्ड पोस्ट घुमा रहे हैं, मोबाइल पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जब आपने जो आंकड़े दिखाए, जो सरकार के आंकड़े हैं, उसमें कहा गया है कि एवरेज जो बेरोजगारी दर है वो 10 साल में सबसे ज्यादा है, तो उसमें वो करेंगे क्या बिचारे, उनकी मजबूरी है, आंकड़ों को घुमाना तो पड़ेगा, डिबेट में आए तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। मुद्दा यहाँ पे क्या है अर्पिता जी, देखिए कोई भी सरकार होती है जब तक वो हकीकत का स्वीकार नहीं करेगी तब तक कोई भी मुसीबत का हल नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पे ये ऐसी सरकार है कि 8 साल तक, आज तक अर्पिता जी एक भी मुझे बात बताई कि ये सरकार ने स्वीकार किया हो कि उनकी विफलता, जो नोटबंदी को अपनी सफलता बता रहे हो, जो GST को अपनी सफलता बता रहे, उनसे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? आज जो आंकड़ा है आपके और मेरे सामने है, अगर हमारी सरकार होती तो मैं आंकड़ों को नहीं झुठलाता, मैं उसके पीछे कारण जरूर देता, पर आंकड़ों को झुठलाने की जो भाजपाई जो 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 रीति नीति है, मुझे लगता है देश उससे उब चुका है। आप कोई भी जुमलाबाजी करके, इवेंट मैनेजमेंट करके आंकड़ों को नहीं छिपा सकते। ये एक हकीकत है कि 10 साल में बेरोजगारी का दर सबसे ऊपर आया, ये हकीकत है कि जो छोटे उद्योग हैं वो बुरी तरह से परेशान है, ये हकीकत है कि किसान पूरी तरह से परेशान है, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ी है। अभी गरीबी का एक आंकड़ा आया कि भारत देश 107वें स्थान पे चला गया, 2014 में 82वें स्थान पे था, ये ऐसे ही नहीं हुआ। जब बेरोजगारी बढ़ती है तब गरीबी बढ़ती है अर्पिता जी, तो सारे आंकड़ों को जब आप एक साथ जोड़ते हैं, गरीबी के आंकड़ों की बात करें, बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें, मैं और एक आंकड़ा इसमें जोड़ना चाहूंगा, महंगाई का आंकड़ा। क्या महंगाई कम हुई है? नहीं हुई है। अभी जो होलसेल इंडेक्स का आया आंकड़ा, रिटेल इंडेक्स का आया, 8.2% तक महंगाई बढ़ चुकी है। कितने आंकड़ों को आप झुठलाएंगे? महंगाई सबसे ऊपर है, बेरोजगारी सबसे ऊपर है, गरीबी सबसे ऊपर है, और फिर भी अगर आप देश के सामने झूठ बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है सुधांशु जी आपकी व्यक्तिगत जो विश्वसनीयता वो भी कम हो रही है। कभी तो स्वीकार कीजिए,
ये तो गलत चीज है। कब तक आप देश के सामने झूठ बोलेंगे? और पेट्रोल और डीजल की मैं बात करूंगा, त्यौहार का टाइम है, सारे दर्शक मित्र आपकी डिबेट देख रहे होंगे, पेट्रोल क्रूड के प्राइस 8 महीने में सबसे न्यूनतम पर, क्यों पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं हो रहे? क्योंकि ये सरकार की जो लूटने की जो नीति है उनके ऊपर हावी हो चुकी है। अरे कम से कम त्योहार के टाइम पे तो आम आदमी को आप राहत दीजिए कि चलो पेट्रोल में 20 रुपए हम कम करें, पर नहीं करना है, आम आदमी को लूटना है, जीएसटी लगाना है हर छोटी चीज पे, पेट्रोल और डीजल पे ड्यूटी नहीं, ये नहीं चल सकता है। आपकी आप जब तक आप लोगों को झुटलाएंगे आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद आखिरी चीज अर्पिता जी, उसके बाद भी चुनाव के टाइम पे मार्केटिंग करना कि हमने 75,000 जॉब दी, मुझे नहीं लगता है जनता इस बात को स्वीकार करे। ठीक है, जल्दी से मैं शक्ति यादव को भी चर्चा में जोड़ लेना चाहती हूँ क्योंकि उनके भी जाहिर तौर पे बहुत सारे सवाल होंगे। शक्ति यादव, सुधांशु जी, दोनों जो सवाल होंगे ना ध्यान से सुन लीजिए, फिर आराम से जवाब दीजिए। अर्पिता, ये सवाल बहुत ही मौजूद है और देश में लगातार इस बात को लेकर के चर्चा भी है और मांग भी है आवाम की कि रोजगार का जो दर जिस तरह से गिरा है और स्तर पिछले 10 वर्षों में, तो ये बात तो आपने बता ही दी, लेकिन मानव संसाधन के सवाल पर भारत की सरकार ने कितनी जरूरत है, किन किन विभागों में, ये आंकड़ा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। और यह भी सत्य है कि 100 आदमी में से 40 आदमी को आज काम है, 60 आदमी आज भी ऐसे ही है। सवाल यह है कि अगर उठाइएगा आंकड़े को तो आप देख लीजिए कि 18 और 19 में मात्र 38,000 नियुक्तियां की गई, मात्र 38,000 18-19 में। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, इनके आंकड़े हैं, तो 18-19 में की गई। और 1,00,000 आज जो है ये 75,000-76,000 पर ये ताली पीट रहे हैं। बिहार ने तो लगातार इन दिनों पिछले 2 महीने से रोजगार के सवाल पर लगातार भारत की सरकार को आगाह करे कि आपके वादे क्या हुए, जिन वादों को लेकर के आप सत्ता में आए थे, आपने एक करनामा किया था, आपने एग्रीमेंट किया था, उस दिशा में 2 करोड़ की चर्चा भी करना बेमानी है। चूंकि आप बात आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी कई चीजों को नंगी आंखों से देखने की बात करते हैं, ये रिकॉर्ड की बात नहीं करते हैं क्योंकि इनका मंत्रालय रिकॉर्ड में नहीं रख रहा है। तो जब जो चीजें नंगी आंखों से देखने की बात कही जा रही है तो उन चीजों को आप सीधे तौर पर आप लामबंद कर करके अब सदन में ला करके सामने बताइए कि आपने कहां कहां किस क्षेत्र में क्या विकास हो गया, कहां नौकरियां मिल गई। रहा सवाल कि आप पिछले दिनों 10 साल की चर्चा आप अगर करते हैं तो 10 सालों में देखिएगा, 10 साल की में उन्होंने कहा कि हम नौकरी देने का 10 लाख रखा है, अब इधर के दिनों में 19 के बाद हम आज पहुंचे हैं 22 में, कितना नौकरियां इन्होंने दी है, मात्र लगभग 2 लाख के आसपास भी नहीं पूर पाया है। अब कल्पना करिए, ग्रुप UPSC और SSC से अधिकतर नौकरियां ली गई है और रेलवे से ली गई है, तो अब अगर सी ग्रुप की भी अगर नौकरियों को अगर भर दिया जाए तो मेरा मानना है कि 10 लाख के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भारत की सरकार इस दिशा में काम नहीं करना चाहती है। सर, जरा एक आंकड़े में टीवी पर दिखा रहे हो आपके सामने, वो तो जरा उस पर भी नजर डाल लीजिएगा क्योंकि सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे। जहां बिहार में आप सरकार चला रहे हैं, 11.4% है वहां पर बेरोजगारी दर। अर्पिता, और आपके यहाँ तो ये भी तय नहीं हो पाया है, आपके मुख्यमंत्री कुछ और आंकड़ा दे देते हैं, आपके उप मुख्यमंत्री कुछ और आंकड़ा दे देते हैं, रोजगार कितनी देंगे अभी तक तो आप ये भी नहीं तय कर पाए हैं सर। नहीं नहीं अर्पिता कोई भेद वो नहीं चल रहा है, जो चल रहा है कलेक्टिव चल रहा है। और हमने कहा है, हमारे साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री जी ने नीतीश जी के नेतृत्व में साफ कहा है कि हम छठ के बाद बम्पर बहालियों का सीधे तौर पर पिटारा खोलेंगे और बिहार में जो वादा है उन वादों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा ना सर, उसमें 10 लाख हमने तो वो तय है ना, मतलब 10 का आंकड़ा तय है ना सर। मेरे पास 3 वर्ष हैं। हाँ, और बेरोजगारी दर पे सुन लीजिए, 11.4% है बेरोजगारी दर। 10 लाख के जो हमने, अरे हम तो बता ही रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खाई है, समय खाई है बिहार के बेरोजगारों का, तो निश्चित तौर पर उसको करने में टाइम तो लगेगा ही ना। आपने 19 लाख के वादे तो किए थे 20 में, कहाँ गए वो वादे? लेकिन हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, सुधांशु जी कई सवाल देखिए रोहन जी ने भी उठाए, कई सवाल यहाँ शक्ति यादव भी उठा रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। और आपने स्किल इंडिया को लेकर देखिए सवाल, आपने कहा कि बहुत सारे रोजगार सृजन हुए हैं, उसमें भी जो सर आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं, स्किल इंडिया में 5% से भी कम लोगों पा सके रोजगार, लाइक जो स्किल है उनकी, उस हिसाब से ये भी एक आंकड़ा है सर। यानी जो आपने मुहिम शुरू की थी 2015 में कि स्किल इंडिया को बढ़ावा देना है, इससे रोजगार का सृजन होगा, सर वहां पर भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही। देखिए, अब मैं आंकड़े की भी बात करता हूं और तथ्य की भी बात करता हूं।
बताइए सबसे स्थापित आंकड़ा क्या होता है, इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी अगर कोई व्यक्ति नौकरी पाएगा तभी उसका प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि कटना शुरू होगा। यदि कर्मचारी भविष्य निधि में 15 लाख की बढ़ोतरी हुई तो क्या कोई अपने आप कट के आने लगा क्या? नहीं, इसमें मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, बड़ी स्पष्ट सी बात है मान्यवर। इसीलिए आप करें झूठ लूट ये सब शब्द प्रयोग करना अलग है, परंतु यदि ईपीएफ ईएसआई होता है इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, अब यदि किसी ने कर्मचारी बीमा अपना करवाना शुरू किया तो वो बीमा ऐसे ही कटने लगा, बगैर उसको नौकरी मिले हुए बीमा कटने लगा। और उसमें मजेदार एक और बात है, व्यक्ति अपना नहीं कटाता है, उसका जो नियोक्ता है यानी इंप्लॉयर वो भी कटवाता है, तो ये कैसे कटने लगे? ये आंकड़े देख लीजिए, ईपीएफओ के आंकड़े देख लीजिए, एएसआई के आंकड़े देख लीजिए, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि। और इसमें अप्रैल के महीने के बाद यानी सेकेंड वेव के बाद जो सबसे बुरा दौर था, जो पिछले वर्ष अप्रैल के बाद से था, जहां से रिकवरी की स्थिति शुरू हुई है, 4% की लगभग माह दर माह निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है, तो यह दर्शा रहा है कि अब इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवरी के पाथ पर है। अब शक्ति जी बोल रहे थे तो मैं सिर्फ याद दिला दूं, अरे भाई ये तो वो पार्टी में है जब नीतीश कुमार जी कहे थे कि 10 लाख का वादा हवाई है हो ही नहीं सकता, अब उन्हीं के नेतृत्व में 20 लाख का दावा पूरा करेंगे। मतलब अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार में 1 लाख नौकरी न दे पाए थे, अब 3 साल में 20 लाख देंगे, मतलब बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। चलो मान लिया तो 3-4 महीने में 2 लाख 2 लाख तो कर दिए होते ना, अन्यथा कैसे होंगे 20 लाख। इसलिए यह तथ्य भी आंकड़ा भी सबके सामने बिल्कुल दिखाई पड़ना चाहिए। और मैं रोहन जी से एक और बात कहता हूं, महंगाई और यह आपने बात कही तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, रोहन जी एक ऐसा देश बता दीजिए जहां राहुल गांधी जी यात्रा करते हो, बाकी नहीं, जहां से राहुल गांधी जी ने बैठकर भारत की अर्थव्यवस्था पर भाषण दिया हो और वहां महंगाई की दर भारत से कम हो। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए थाईलैंड है कि इटली है कि ब्रिटेन है कि अमेरिका है? अरे कल ब्रिटेन के मंत्री ने इस्तीफा दिया है, 10.5% की महंगाई की दर हो गई है। अमेरिका में पौने दो लाख लोग हर महीने नौकरी छोड़ने के कगार पे हैं। चाइना में स्थिति यह है कि बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं। हुआन प्रोविंस में कहा जा रहा है कि टैंक तक लगाने पड़े हैं लोगों के ऊपर। पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर, सब मोदी की वजह से हो रहा है ना। अरे भाई साहब, दुनिया में स्थिति यह है कि इस समय 63 देशों में 10% से अधिक है महंगाई की दर, 63 देशों में। और इसीलिए मैं बाकी नहीं करता हूं, या तो दो रोहन जी दो में से एक बात बता दे, या तो ये वचन दे दें कि अब राहुल गांधी बाहर से जाकर कोई ज्ञान नहीं देंगे भारत की अर्थव्यवस्था पे और उसको यहां पर कंडम कर दें, और या फिर मुझे एक देश बता दें जहां राहुल गांधी ने बैठ के भारत की अर्थव्यवस्था भाषण दिया हो और वहां महंगाई की दर भारत से कम हो, बेरोजगारी की दर भारत से कम हो, बता दिए, मैं सुनना चाहता हूं। रोहन जी जवाब दे दूं मैं जी? देखिए सर जल्दी से, मैं अरविंद जी के पास एक बार भी नहीं जा पाई, उनको भी चर्चा में मुझे शामिल करना है। मैं बोल दूं अरविंद जी? जी अरविंद जी 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 रोहन जी जवाब दे दूं, इनकी मजबूरी देखिए सुधांशु जी की, बहुत स्पेसिफिक सवाल था, आंकड़ों की हमने बात की, कहां पहुंच गए राहुल गांधी जी के ऊपर, कहां चले गए देश के बाहर चले गए। अरे भैया दूसरे देशों में क्या हो रहा है कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का बोला मैंने भाई, क्या हो रहा है बीच में मत बोले प्लीज, दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो देख के आपको देश ने देश को वादा किया था 8 साल में क्रूड के रेट कम होने के बाद, यहाँ पे हमारे वहां पे हर लीटर पे आप लोग 40 रुपए जनता से लूट रहे हैं, क्या पूरे दूसरे देशों को पूछ के लूट रहे हैं? और दूसरा अर्पिता जी, इनकी मैं पोल खोल रहा हूं, अभी हम रोजगार की बात कर रहे हैं, ये उनके मंत्री हैं शायद ये जानते होंगे, जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में जवाब दिया है कि हमको 22 करोड़ आवेदन मिले हैं, उसके सामने हमने 8 साल में सिर्फ 7 लाख रोजगार दिए हैं। ये मेरा नहीं है, संसद में जवाब दिया है। मुझे बताइए अर्पिता जी, ये दूसरे रोजगार की बात करें, मोबाइल की बात करें, ये केंद्र सरकार की जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो सरकार के हाथ में, अगर उनकी नियत में खोट नहीं होती तो 22 करोड़ के सामने सिर्फ 7 लाख नौकरियां। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा, 2021-22 में सिर्फ 38,000 नौकरियां दी सरकार ने, ये संसद में उन्होंने आंकड़ा दिया है, 2020-21 में 78,000, 2021-22 में 38,000। अरे कब तक आंकड़ों को झुठलाएंगे? अब आप जो ईपीएफओ की बात करें वो भी दिख रहा है कि लास्ट 2 महीने में नौकरियां कम हुई है। देखिए सुशांत जी, सिंपल बात है, सरकार में है, गलतियां हुई है तो स्वीकार कीजिए, उधर उधर की बात मत कीजिए, राहुल गांधी और ये सब हम तो सवाल उठाएंगे, आप जवाब दीजिए ना, क्यों आप सीएमआई के आंकड़े पे नहीं भरोसा कर रहे? आपके सामने आपकी सरकार के मंत्री के जवाब को भी आपको झूठलाना पड़ रहा है, ये आपकी मजबूरी है, कम से कम आपसे अपेक्षा है कि हकीकत का स्वीकार करें और देश से माफी मांगे, कि जुमलेबाजी हम नहीं करेंगे।
कि कब तक झूठ बोलेंगे? आपकी सरकार का जवाब एक 38,000 नौकरियां हैं और आप कह रहे हैं रोजगार का सर्जन। देखिए सुधांशु जी, कई सवाल तो देखिए बनते ही है यहाँ पर, क्योंकि आपने तमाम आंकड़े दे दिए, लेकिन जिन आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं खुले मन से आप इसको समझिए, उन आंकड़ों पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। दुनिया देश वो सब हटा के अगर एक भारत में आम नागरिक जो रोज कमाता रोज खाता है, सर उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी यही है कि हम पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो हम कितने पैसे चुका रहे हैं, हम दाल खरीदने जा रहे हैं, हम तेल खरीदने जा रहे हैं तो हम कितने पैसे चुका रहे हैं, ये तो बुनियादी सवाल है ना सर। वो समय ये नहीं सोचेगा कि चीन और भारत में तुलनात्मक ढंग से हम जरा देख लें कि मोबाइल कहां ज्यादा बन रहे हैं कहां नहीं बन रहे। हाँ मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, तो आगे से ये कह देना कि आप बाहर से ज्ञान देना बंद कर देंगे तब मैं बोलूं, बाहर से जाके खुद बोलेंगे फिर कहेंगे बाहर की बात मत किया करो। और ये तो मैं बात कह रहा हूँ, अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए भाई, अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। रोहन जी एक सेकंड रोहन जी, हाँ पेट्रोल डीजल पे बोल रहा हूँ, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा कहाँ पर है? अरे भाई मैं मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, अरे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। आज पेट्रोल डीजल के मूल्य सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती, दाम घटाने का। अरे भाई आप डिस्टर्ब नहीं किया रोहन जी, अब क्यों बीच में बोल रहे हैं आप, अपने टर्न पे बोलिए। देखिए आज की डेट में सरकार मूल्य नियंत्रित नहीं कर सकती, केवल एक ही तरीका है कि वो अपना टैक्स घटा दे। केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीने में 2 बार टैक्स घटाया और हमारी राज्य सरकारों ने घटाया। रोहन जी बता दे विपक्षी कौन सी सरकार ने टैक्स घटाया, बताया बढ़ाया था आपने? राजस्थान ने घटाया, छत्तीसगढ़ ने घटाया, हमने बताइए ना कि झारखंड ने घटाया, खुद भर रहे हैं और इसको जीएसटी में भी नहीं आना है, इसको जीएसटी में भी नहीं आना है, लूट के खजाना खुद भर रहा है और लूट और झूठ जैसे शब्दों का प्रयोग। भाई देखिए आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मत बोलिए बीच में वरना फिर हम लोग भी डिस्टर्ब करेंगे, दर्शकों को सही नहीं लगता है। मैंने सिर्फ नाम पूछा था, राज्य का नाम बताइए, आप नहीं बता पाए। मैंने कहा था राहुल गांधी जिस देश में जाते हैं उसका बताइए, अन्य देशों का मैंने नहीं पूछा था, वो आप वो नहीं बता पाए। मैंने ये कहा था चलो विदेश की बात करना बंद कर देते हैं तो वचन देके जाइए कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, और राहुल गांधी ने बोला वो गलत था विदेश में, वो भी नहीं बोल पाए। मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक पूछा था ना, गोल पोस्ट चेंज करना इसे कहते हैं। और मैं बता रहा हूँ आज स्थिति जानते हैं, समुन्द्र में हमारा जहाज चल रहा है, उस समुन्द्र में दोनों लोगों को रोक रही, अपनी अपनी बारे में बोलिए प्लीज सर, ऐसे नहीं। अरविंद जी देखिए ये जो बहस है इसकी सच्चाई में तो जाओ ना, आकलन करना है तो ईमानदारी से करिए। रोहन बाबू भी ईमानदारी से नहीं बोल रहे और उधर से भी ईमानदारी से नहीं आ रही, पर एक बात तय है कि बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई है, आंकड़े मैंने भी देखे हैं, अभी ये पे कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें ये है कि 2014 तक टोटल वर्क फोर्स जो इंडिया में है उसका 3.9% एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिला के, और आज की डेट में 5.6% है। तो रोहन जी क्या कहेंगे इसको, आंकड़ों की बड़ी बातें कर रहे हो आप, अपनी गलती मानोगे? 70 साल में 3.9%, तो जिम्मेवार कौन है भाई साहब? नहीं आप बताओ मुझे जिम्मेवार कौन है। आप इसमें प्रयास बीजेपी ने शुरू किए, और याद करिए बीजेपी ने आते ही क्या कहा कि नहीं भाई जॉब का मामला ज्यादा नहीं चल पाएगा, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, जॉब क्रिएटर बनिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बड़े रिसोर्सेज कम है, ये सब आपकी पॉलिसी है, कांग्रेस की पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, पीपीपी की कांग्रेस की पॉलिसी है, तो अपनी पॉलिसियों का पुलंदा आप दूसरे पे कैसे ला दोगे? मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से आकलन करना पड़ेगा। और दूसरा एक बात, विजन क्या है आपके पास? इनसे कह रहे हो आपने 16 करोड़ कहा था उद्योग क्यों नहीं लिया? आपने 70 साल में कितने करोड़ दिए थे जरा ईमानदारी से बता दो, नहीं है जवाब आपके पास। तो इसीलिए आकलन ईमानदारी से। और बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी एक समस्या होती है, महंगाई एक समस्या होती है, क्योंकि दोनों चीजें अगर आप विकासशील देश बनने की दौड़ में शामिल होगे तो दोनों साथ साथ चलनी है। लेकिन बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि ईमानदारी से प्रयास करते हुए, अब प्रयास ही तो है ना, 75,000 आज नौकरी दी है, आगे भी वादा कर रहे हैं नौकरी देने का, बकायदा कैंप लगाएंगे, बकायदा सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये बैठे हुए शक्ति यादव जी, इन्होंने, इनके नेता ने क्या कहा था
कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। क्या हो गया भाई साहब, कहाँ चले गए? बड़ा आसान होता है दूसरे को क्रिटिसाइज करना, लेकिन समस्याएं आप भी समझते हो, समस्याओं को आप भी जानते हो, और उसके बावजूद जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जनता तो समझदार है भाई साहब। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ जॉब क्रिएशन का। ये जो डिलीवरी बॉय के काम शुरू हुए हैं, जिनके पास अपनी बाइक है और डिलीवरियां करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, माल सप्लाई करते हैं, कितने लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आप आकलन नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज जनरेट हुए हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो हुए हैं वो हुए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इसीलिए रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन चूंकि उनके डाटाज नहीं होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ज्यादा आप रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगाया हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिक्रूटमेंट पे बैन 2019 तक लगाया हुआ था, और जैसे ही वह लिफ्ट हुआ उसके बाद इमीडिएटली से काम प्रोसेस शुरू हो गया रिक्तियां भरने को, और ये जो कल आपने देखा ये उसी का नतीजा, और आगे भी आप देखेंगे। इसलिए दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, आईना दिखाने से काम नहीं चलेगा, आईना आपको पहले खुद देखना होगा, खुद अपने आप से जवाब पूछना होगा, उसके बाद दूसरे को आप सकते हैं। लेकिन ईमानदारी में अगर कोई कमी है तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिए, कोई करप्शन का केस अगर बीजेपी की सरकार के खिलाफ आ रहा है उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। नोट तो बरामद सारे अपोजिशन लीडर के यहाँ से हो रहे हैं, बीजेपी के यहाँ से कोई नोट बरामद नहीं हो रहा, और उसके बाद भी 2 साल माफ करना, ये चीजें चलने वाली नहीं। और इसी का नतीजा है कि बार बार चुनाव में करारी हार खानी पड़ रही है, जनता आपको दोबारा वापसी करने को तैयार नहीं है, इनका आकलन कौन करेगा? रोजगार तो सबको मिलेंगे, सुधांशु जी ने ठीक बताया, एक जरा सा एग्जांपल दिया उन्होंने मोबाइल वाला, दो फैक्ट्रियां होती थी और अब कितनी है फैक्ट्री, 139 फैक्ट्रियां हैं, तो इसे क्या कहोगे? तो इसलिए आकलन सही, मेरा बार बार निवेदन है, तो गुमराह करने की कोशिश मत करिए, गुमराह करेंगे नुकसान किसका? आपका नुकसान किसका? राहुल गांधी का नुकसान किसका है? आपकी पार्टी का। ठीक है, वो कह रहे हैं कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना वो, और उसी कोशिश की सराहना करनी चाहिए थी। अब आप उसमें भी जब आपने अपनी बातों को बातों की जब आपने शुरुआत की तो आपने राहुल गांधी से जोड़ दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जो जो मुद्दे उठा रहे हैं अब इस पर मोदी सरकार सोच रही है, तो आप भी तो कहां से कहां बात लेके जा रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, आज 8 साल के बाद पहली बार ये जो रोजगार मेले की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जून 2021 में इनकी सरकार के मंत्रियों ने वादा किया कि हम 1.5 साल में 10 लाख जॉब देंगे, आज 1.25 साल उसके ऊपर चलेगा, 3 महीने में वो भी डेडलाइन खत्म हो जाएगी, वो 10 लाख भी पूरे नहीं और 75,000 जॉब दे रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे इसलिए कि पहली बार हुआ है कि इन मुद्दों पे सरकार को बात करना जरूरी लगा, उनकी मजबूरी हो गई क्योंकि पूरे देश से आवाज उठ रही है, आप हकीकत को नहीं झूठला सकते हैं अर्पिता जी। अभी तो उन्होंने एक नफरत के माहौल से अपनी नैया चला रहे थे, अब नहीं चल सकती। अब देश सवाल पूछेगा, कितना भी सुधांशु जी घुमाए, अगर पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ तो देश सवाल पूछेगा, अगर बेरोजगारी कम नहीं हुई तो देश सवाल पूछेगा, अगर किसान की आय कम हुई तो देश सवाल पूछेगा। ठीक है शक्ति यादव, जल्दी से आप भी अपनी बात सुधांशु जी से एक आपको जवाब ठीक है, उसके बाद सुधांशु जी सारे जो तीर आपकी तरफ आ रहे उस पर जवाब दीजिएगा जल्दी से शक्ति जी। अर्पिता एक लेडी अर्पिता वाजपेयी जी ने एक बात कही और हमने 2020 में निश्चित तौर पर कहा था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, हम 2 साल के बाद पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में आने के बावजूद भी हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने आगे बढ़ने का काम किया। सवाल रोजगार का है, रोजगारी घटता हुआ दर का सवाल है, सवाल यहाँ पर आप किन कंपनियों में क्या रोजगार मिल रहा है उसका नहीं है। नौकरियों के सवाल पर जो वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी, सवाल उस पर बहस हो रही है, इन बहस को अलग हम ले जा रहे हैं, दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, तो हम अपने कमिटमेंट पे कायम हैं। इन अब बात होती है नौकरियों की तो बात करते हैं ताड़ी पार की, चले आते हैं कहां से कहां लेकर मुद्दा को उठा कर करके, सवाल वो नहीं है। शक्ति जी पूछा गया वो सवाल जवाब ले लेते क्योंकि कई सारे सवाल सुधांशु जी आपसे हैं यहां पर, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि अगर आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप सुधार की बात कर रहे हैं, सर माफी के साथ आपको रोक रही हूं, अगर आप रिफॉर्म सुधार की बात कर रहे हैं तो सर यहां पर अगर UPA 2 में देखें तो हर साल औसतन 7 लाख नई नौकरियां मिलती थी, मोदी सरकार में करीब 50% से ज्यादा घटी है, सर जवाब दीजिएगा इस पर। जैसा जिक्र उन्होंने 22 लाख का किया जिसका जवाब सदन में 22 लाख आवेदन पे 7 लाख नौकरियां मिलती हैं, और स्टार्टअप को लेकर जो मैं सवाल आपसे पूछ रही थी स्किल इंडिया को लेकर 5% से भी कम लोग रोजगार लायक अपनी स्किल बना पाए या पा पाए, करीब 17 लाख में से पहले साल 5 लाख लोग ट्रेनिंग ले पाए, और इस हिसाब से आप जो एक क्राइटेरिया बना रहे हैं कि विकास हो जाएगा 100 साल लगेंगे सर जो अभी स्थिति मौजूदा दिख रही है। देखिए पहली बात तो मैं ये कह दूं जो वाजपेयी जी ने कही थी उससे मुझे याद आया,
ये भर्तियों में पैसे ही नहीं पकड़े जा रहे विपक्ष सरकारों, भर्तियों में बाकायदा सूची भी टायरी पकड़ी जा रही है, भर्ती में पैसा लिया जा रहा है बेरोजगारों के साथ और नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं, वो दर्शाता है कि इनकी ईमानदारी कितनी है। अब आता हूं इस विषय पे जो आंकड़ा आपने पूछा था अर्पिता जी, आपने एक बात कही स्टार्टअप, तो जब हमारी सरकार आई कितने स्टार्टअप थे, 100 के आसपास, आज है 70,000, यूनिकॉर्न है 100 से ऊपर, कोई रोजगार थोड़ी सर्जित हुआ है, 70,000 स्टार्टअप में कोई रोजगार नहीं सर्जित हुआ है, वो तो केवल ऐसे ही चल रहा है। इस और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, रोजगार सृजन में तो व्यवस्था करनी पड़ती है, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों को, 4 साल हो गए, दे दिया राजस्थान के सारे बेरोजगारों को, छत्तीसगढ़ के सारे बेरोजगारों को 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, जवाब दीजिए, ठीक है, भत्ता देने में तो कुछ भी नहीं है, हाँ। दे दिया। देखिए वक्त की थोड़ी कमी है इसलिए यहाँ पर ये चीजें, लेकिन कई यहाँ पर जो सामने चीजें आ रही हैं वो ये कि केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम हम शुरुआत तो कर रहे हैं, और सवाल यहाँ पर राजस्थान और तमाम राज्यों से भी उठने शुरू हो जाते हैं कि वहां किस तरीके से बेरोजगारी दर कम हो रही है, ये क्या सिर्फ सबके सोचने से नहीं होगा, सिर्फ एक के सोचने से होगा, और जिसके सोचने से होगा क्या वो सोच सही दिशा में है या सही तरीके से अप्लाई भी हो रही है, बड़े सवाल ये बनते हैं।